स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे तीसरे चैप्टर में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं विद्युत विभव, उस विद्युत विभव पर कुछ एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक की भुजा 0.9 मीटर लंबी है, कोई वर्ग है उसकी भुजा आपको दे रखी है। इसके कोनों पर तरफ से माइनस के 2 माइक्रोकूलम, प्लस का 3 माइक्रोकूलम, माइनस का 4 माइक्रोकूलम तथा प्लस का 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। ऐसा सवाल मैंने पहले भी करवा दिया आपको, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ग मान लीजिए, वर्ग है, इस वर्ग का नाम दे दिया हमने ए बी सी और डी। यहाँ पर क्यू ए आवेश रखा है जो कि माइनस का 2 माइक्रोकूलम यानी कि 10 की घात -6 कूलम। बी पर रखा है क्यू बी आवेश जिसका मान है 3 × 10 की घात -6 कूलम। माइक्रोकूलम को किस में चेंज कर लेंगे, कूलम में। यहाँ पे जो रखा है वो क्यू सी मान लेते हैं, क्यू सी आपके पास आएगा माइनस का 4 × 10 की घात -6 कूलम, और जो क्यू डी है वो मान लेते हैं प्लस का 5 × 10 की घात -6 कूलम। ठीक है, और इसकी भुजा दे रखी है 0.9 मीटर। पहले ए मान के कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए ए ए मान लेते हैं सारी भुजा, तो भाई इसके केंद्र पे ज्ञात करना है। तो केंद्र पे जो आपके पास विभव आएगा वो चारों विभवों का जोड़ होगा। तो भाई पहले हम भुजा की ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज से, इस वाले से समकोण त्रिभुज ए बी डी से स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भुजा भी ए, ये भी ए, तो बी डी आपके पास आ जाएगा 2a अंडर रूट, ये आ जाएगी √2। क्लियर, तो ये तो कंप्लीट आ गई बी डी। हमें चाहिए इसको ओ में ले लेते हैं, हमें चाहिए ए ओ या फिर बी ओ या फिर सी ओ या फिर डी ओ, तो वो हो जाएगा बी डी बटे 2 और ये आ जाएगा ए रूट 2/2, ये आ जाएगा ए बाई रूट 2। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0.9 मीटर रखता हूँ, तो 0.9/√2 अब विभव ज्ञात कर देते हैं। तो वर्ग के केंद्र पर कुल विभव सभी आवेशों द्वारा, तो वी मान लेते वी इज इक्वल टू 1/4πε₀, ये तो कॉमन, पहला आवेश QA दूरी AO, दूसरा आवेश QB दूरी BO, तीसरा आवेश QC दूरी CO और चौथा आवेश QD और दूरी DO। वैल्यू लग दो सारी, तो V इज इक्वल टू 1/4πε₀ की वैल्यू 9×10⁻¹, ए की वैल्यू है माइनस का 2 × 10⁻⁶ -6/0.9/√2, ये क्यू बी प्लस का है 3 × 10⁻⁶ -6/0.9/√2, फिर क्यू सी माइनस का है 4 × 10⁻⁶ -6/0.9√2 और क्यू डी प्लस का है तो प्लस का 5 × 10⁻⁶ -6/0.9/√2, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁶ -6 कॉमन, 0.9/√2 कॉमन, यहाँ से आएगा माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 8 में से 6 गए, 2 बच गए, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, उधर इधर लिख देते हैं, तो V बराबर आपके पास आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁶ −6 0.9√2 ऊपर चला जाएगा × 2, इससे जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट हटाओ तो यहाँ 10 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, आ जाएगा 10 की घात 1 और 9 10 10 में 6 4 बच गए, तो आ गया 2√2
अस्सी का चार, इसको लिख सकते हैं दो गुणा रूट दो का मान 1.4 एक चार गुणा अस्सी का चार, हल कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे, कितने वोल्ट आ जाएगा, 14 से 14 का आ जाएगा डबल, तो 14 से 14 का 28 28, 2.8 मल्टीप्लाई 10^4 वोल्ट, यह आ गया इस वर्ग के केंद्र पर कुल विभव। ठीक है, तो ऐसे सवालों को इस तरह से सॉल्व करते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो जो चल रहे भाई उनको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।